भूल जाइए, आगे बढ़िए। अरे आगे कैसे बढ़ेंगे हम, आगे कैसे बढ़ेंगे? सारी दुनिया की आंखों में, आंखों के सामने 6 दिसंबर को मस्जिद को शहीद किया गया, डेमोलिशन किया गया। मैं भूल जाऊं क्या क्या भूलूं बताओ मेरे से आप। সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আমার চ্যানেলটি, সাবস্ক্রাইব করুন। পশ্চিমবাংলায় আস্তে আস্তে মিমের উত্থান এক চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে চলেছে। মগরাহাট বিধানসভার অন্তর্গত যুবনেতা আজিজুল হাসান জানিয়েছেন যে মগরাহাট বিধানসভার বহু যুবক তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল করতে সেই সব দল ছেড়ে মিমের পতাকা তারা হাতে তুলে নিয়েছে। আজিজুল হাসানের মুখ থেকে আমরা কথাগুলো শুনব এবং আসাদুদ্দিন ওয়াইসি বাবরি মসজিদ সম্পর্কে পুরো ভিডিওটা লাস্টে দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে চাইলে দেখতে পারেন। অনুপ্রাণিত হয়ে আজকের এরা এই এমআইএম এ যোগ দিল, ওদের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনে এরা আমাদের সংগঠনকে মজবুত করবেন, এই অঞ্চলে ইনশাল্লাহ আরো সংগঠন বিস্তার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এদের মন থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই। आज आपने बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन में जिन लोगों पर क्रिमिनल केस था उनको एक्सोनरेट करके आपने उनको पैगाम दिया है कि चलो आगे चलो, काशी और मथुरा को जो करना है करो, हम तुम्हारो क्लीन चिट देते जाएंगे। जहां तुम्हारी आस्था का मामला आएगा हम उस पर तुमको मदद करते जाएंगे। तुम ठहरो, तुम अंदर घुसकर उसमें ईदगाह में अब दोबारा मूर्ति रख दो, हम तुमको दे देंगे वो। यही तो हो रहा है ना, आप अंदाजा लगाइए रूल ऑफ लॉ फिर क्या होगा, रूल ऑफ लॉ इससे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉन एग्रेरियस एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप, और आप कहते हैं कि स्पॉन्टेनिटी नहीं थी, फिर क्या होगा? श्री कृष्णा कमीशन मुंबई में, उसका इंसाफ नहीं हुआ। अरे कितने कितने वाकयात जहां पर फसादात हुए मुसलमानों के लिए, दलितों को इंसाफ होता ही नहीं। और आजकल आप आज शाम से आप सुनेंगे कि ये जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, लुक है, भूल जाइए आगे बढ़िए। अरे आगे कैसे बढ़ेंगे हम, आगे कैसे बढ़ेंगे? सारी दुनिया की आंखों में, आंखों के सामने 6 दिसंबर को मस्जिद को शहीद किया गया, डेमोलिशन किया गया। मैं भूल जाऊं क्या क्या भूलूं बताओ मेरे से आप। कितने मेरे बर्बादी के दास्ताने फसाने तुम्हारे सामने रखूं ताकि तुम्हारे कलेजे में जो अगर दिल है तो उसको धड़कन हो, उसको तुम मेरी तकलीफ को महसूस कर सको। क्या पैगाम दे रहे हैं आप इस फैसले से? हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अपील करेगा। मुझे नहीं मालूम करेगा नहीं करेगा तो मैं तो गुजारिश करूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से कि वो अपील करें इस जजमेंट के खिलाफ।